द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज, एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या बोलते हैं उसे, हमारे पास पाथ फंक्शन एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, पाथ फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पॉइंट फंक्शन एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी या पॉइंट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जल्दी से बताइए। और बाकी बच्चे कहां सो जाते हैं बेटा, लाइव आया कीजिए। जो भी बच्चे, अब जैद है, मैंने कभी लाइव देखा ही नहीं आपको, देवेंद्र है, आपने कभी लाइव आए नहीं है, जैद मुझे लगता है अभी ज्वाइन किए हैं। एक तो बच्चे जो बाद में ज्वाइन करते हैं, जो बच्चे बाद में ज्वाइन करते हैं, अगर आप लेट ज्वाइन किए हैं तो आप पहले सिलेबस खत्म कर लीजिए। जब तक आपने थर्मोडायनेमिक्स नहीं समझा, एमसीक्यू करने का रत्ती भर भी फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है एमसीक्यू करने का। पहले थर्मोडायनेमिक्स के मेरे पूरे लेक्चर ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से सुनने के बाद एमसीक्यू के ऊपर अटैक कीजिए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नहीं, वन नहीं है बेटा, जल्दी से बाकी भी तो रिप्लाई करो यार, बाकी भी रिप्लाई करो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा डी, डी इज द राइट आंसर, फोर्थ वन इज राइट आंसर। ये एक पॉइंट फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। देखिए, एनर्जी अभी हमने समझा थी, एनर्जी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव, जितनी ज्यादा चीज होगी हमारे पास, उतनी ज्यादा उसके अंदर एनर्जी होगी, एनर्जी होगी। अगर मैं कहूं कि एक छोटे प्रेशर कुकर में मेरे पास स्टीम है, छोटे प्रेशर कुकर में स्टीम है मेरे पास, और एक बड़े बॉयलर में है, एक बड़े बॉयलर में है स्टीम, ओके, तो इसके पास ऑब्वियसली एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि मास ज्यादा है तो एनर्जी इसकी कम होगी, एनर्जी इसकी ज्यादा होगी। तो पहली बात तो ये एक्सटेंसिव हो गया, एक्सटेंसिव हो गया। और ये हम कहेंगे कि इस टाइम इसके पास कितनी एनर्जी है। जैसे मान लीजिए अभी पानी डाला है इसके अंदर, मैंने ना अभी अभी पानी डाला है, जल्दी से अभी अभी पानी डाला है, पानी डाला है, तो इस टाइम क्या एनर्जी है इसके पास? कम है। जैसे जैसे हीट डालते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो हम क्या कहेंगे कि ये इसकी एनर्जी लगातार बढ़ती जा रही है। इस तरह से मैं मान लो लाइन बना देता हूं, एनर्जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब क्या है? हर एक पॉइंट पर एनर्जी बढ़ रही है। तो ये एक पॉइंट फंक्शन है, ये एक पॉइंट फंक्शन है बेटा। देखो जैद, सीबीटी वन सीबीटी टू, कौन से सीबीटी वन की बात कर रहे हो बेटा? अगर तो जेई एग्जाम की बात कर रहे हो, तो जेई एग्जाम के लिए मेरे बच्चे आपको क्या करना है, आपको सारे के सारा टेक्निकल खत्म करके रखना है, ठीक है? टेक्निकल खत्म कीजिए, नॉन टेक्निकल कीजिए साथ साथ। और सीबीटी वन अगर एएलपी की बात कर रहे हैं, उसके अंदर तो नॉन टेक्निकल आना है पहले, टेक्निकल बाद में आना है, ठीक है? तो हमारा अकॉर्डिंग टू तैयारी कीजिए आपने, ठीक है? ओके, चलिए आगे। अब पॉइंट फंक्शन क्या होता है? पॉइंट फंक्शन अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द एंड स्टेट ओनली, किसी एंड स्टेट पर डिपेंड करती हो, नॉन एज पॉइंट फंक्शन, उसको हम पॉइंट फंक्शन कहेंगे। जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, ये सब क्या है? पॉइंट फंक्शन होते हैं। पाथ फंक्शन कौन से होते हैं? जो हमारी एक प्रॉपर्टी, ये पूरी एक लाइन पे डिपेंड करते हैं, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये, ऐसे। तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द एंड स्टेट एज वेल एज द पाथ फॉलोड नॉन एज पाथ फंक्शन, लाइक हीट एंड वर्क। वर्क और हीट जो है, दोनों हमारे पास लिख लीजिए पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन में इससे ज्यादा कभी पूछते नहीं है, पाथ फंक्शन की एग्जाम्पल मोस्टली पूछते हैं, याद कर लीजिए। वर्क और हीट मेनली हमारे पास दोनों ही एग्जाम्पल हमें पूछता है, वर्क और हीट, ये पाथ फंक्शन की बात कर रहे हैं। पॉइंट फंक्शन में टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब कुछ आ जाता है। For thermodynamic processes to be reversible, the temperature difference between hot and body and working substance should be. तो हमारे पास क्या होना चाहिए? अगर कहता है कोई reversible process है, तो उसके अंदर temperature difference जो है hot body and working substance should be, तो वो क्या होना चाहिए? Zero होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? Zero होना चाहिए। अगर हम कहीं यहां से यहां तक जा रहे हैं, हमारे पास क्या है? Reversible process है। यहां से चले, यहां तक गए, और यहां से फिर वापस आ गए, इसी रास्ते से यहीं पे वापस पहुंच गए, उसी पॉइंट पर वापस पहुंच गए। तो इसी पॉइंट पर जब वापस पहुंचेंगे, तो हमारे पास जो होगा पहले का टेम्परेचर और बाद का, वो डिफरेंस जो होगा जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
तो इसको लिख लीजिए, थर्मोडायनामिक प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल, अगर किसी को रिवर्सिबल करना चाहते हो, इट शुड बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम. टू फिजिकल सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ नो हीट फ्लोज बिटवीन देम. अगर कहता है मान लीजिए दो बॉडी आपस में, दो कनेक्ट कर दी हमने, दो बॉडी आपस में कनेक्ट कर दी, इसके अंदर टेम्परेचर का, हीट का जो ट्रांसफर होगा वो तभी होगा जब एक ज्यादा गर्म होगा एक ठंडा होगा. मान लीजिए हमारे पास इसका 300 डिग्री का टेम्परेचर है और इसका 200 है, ये हीट ट्रांसफर होगी कहां से कहां, इधर से इधर होगी, और तब तक होती रहेगी जब तक दोनों समान टेम्परेचर पर नहीं आ जाते. जब ये भी 250 हो जाएगा, ये भी 250 हो जाएगा, तो हीट ट्रांसफर बंद हो जाएगी. हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, थर्मल इक्विलिब्रियम इसे कहते हैं. ओके, तो प्रोसेस अगर आप कोई कर रहे हो रिवर्सिबल, तो उसमें हमारे पास जो है वो चेंज जो है वो जीरो हो जाएगा. वन मोर क्वेश्चन इज, लास्ट ईयर डिप्लोमा इज एलिजिबल इन आरआरबी जेई. जैद देखिए, आरआरबी जेई कोई भी जेई एग्जाम है, कोई भी दुनिया भर के जितने मर्जी जेई एग्जाम आ जाए, सब डिप्लोमा मांगते हैं कंप्लीट. ये लास्ट ईयर वाले एलिजिबल है या नहीं है ऐसा कभी भी नहीं होता, उनको डिप्लोमा कंप्लीट वाले चाहिए होते हैं. लेकिन उनको बताया होता है कि किस तारीख तक आपका डिप्लोमा हो. अगर मान लीजिए आपका फॉर्म ही जुलाई में आता है और आपके जून में एग्जाम खत्म हो जाते हैं, तो आप एलिजिबल हैं. लेकिन अगर आपने एग्जाम नहीं दे रखे, रिजल्ट नहीं आया, तो आप एलिजिबल नहीं होते हैं कोई भी जेई एग्जाम हो. ओके, सुन लीजिए, चलिए आगे. इन एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ मोनोएटॉमिक आइडल गैस इंक्रीजेस बाय 0.5%. The volume will decrease in percentage by take by. तो कहता है कि अगर isentropic process है, कोई कहता है कौन सी process है, isentropic process है. हमारे पास क्या है, pressure बढ़ा रहे हो, एक gas है उसके अंदर कौन सी monoatomic ideal gas है, और उसका pressure बढ़ा रहे हो, P2 जो है वो बढ़ाया जा रहा है कितना, 0.5%. सिर्फ 0.5% बढ़ाया जा रहा है, P1 से 0.5% ऊपर लेके जाया जा रहा है. अगर मान लीजिए मैं कहता हूं P1, मान लीजिए मेरे पास बहुत आसान सा ले, चलो बड़ी चीज लेते हैं, चलो 100 बार ले लेते हैं, 100 बार, और P2 कितना होगा, P2 होगा 0.5%, आधा परसेंट बढ़ा दीजिए. आधा परसेंट बढ़ाने का मतलब 100.5 बार कर दीजिए बस, और कुछ मतलब नहीं इसका, इसका मतलब ये है. तो हमारे पास क्या रहता है, वॉल्यूम कितना डिक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम कितना डिक्रीज कर जाएगा. इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है, देखिए एक तरीका तो ये है कि आप इसको प्रॉपर तरीके से समझिए, प्रॉपर तरीके से समझिए. जब आप इसको समझ लेंगे तब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है. दूसरा तरीका क्या है, जब हम इस क्वेश्चन को बार बार इस तरह से देखते रहते हैं ना, एक बार अभी यहां देख रहे हो, इसी तरह दोबारा जब देखोगे आप पहले ही आंसर बता दोगे. इसीलिए एमसीक्यू करने जरूरी होते हैं, क्योंकि कई बार हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, सेम का सेम क्वेश्चन वहीं पे छप जाता है आपके दिमाग में और वहीं एग्जाम में आ जाता है. ओके, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको करना है, किस तरह से प्रेशर बढ़ रहा है 0.5%, तो P2 कितना हो जाएगा, 1.005 पर P1, 1.005 P1, तो ये हमारे पास इतना आ जाएगा. तो हमारे पास 005 एग्जैक्ट बोले तो 100.5 0.5% है ना, 0.5%, आधा परसेंट, ठीक है, ठीक है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.005 P1. हम देखिए मोनोटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू याद कीजिए, पहले तो ये याद कीजिए, गामा की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.667, किसके लिए, मोनोटॉमिक के लिए. और हमारे पास P1V1, देखिए P1V1 इक्वल टू P2V2, और ये पावर गामा, पावर गामा, P1V1 गामा कितना है, 1.667, P2V2 1.667, ये आ गया. अब जस्ट कैलकुलेशन करनी है आपको, बस कैलकुलेशन करनी है आपको, कैलकुलेशन करनी है अब. लेकिन कैलकुलेशन कैलकुलेटर के बिना नहीं होती. अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आता है तो इसीलिए आपको सिर्फ इसका आंसर ही दिमाग में बिठाना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन का दिमाग में. क्यों, क्योंकि हम इधर उधर जब करेंगे तो पावर बन जाएगी और ये पावर हमारे पास सॉल्व नहीं हो पाती. कैसे, अगर हम देखेंगे मान लीजिए P1 P2 ये नीचे ले आइए,
V2 बाय V1, और पावर जो है वो क्या आ जाएगी 1.1667, ये बन जाएगी। अब देखिए हमारे पास इसको मान लीजिए 1, P1 को मान लीजिए 1, P2 मान लेंगे 1.005, और ये पावर जो है इधर आ जाएगी 1 बाय 1.667, V2 बाय V1 ये आ जाएगा, V2 बाय V1। अब देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू जो है ये आ जाएगी 0.6, तो इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 0.995, और ये आ जाएगी 0.6 V1, तो ये V2 बन जाएगा। तो आपको ये PDF मिलने वाली है, तो आपको टेंशन नहीं है। तो आपका जो V2 जो है वो 0.3% बढ़ जाए, डिक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम जो है 0.3% डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब ये प्रॉब्लम यहां आती है कि इसको अगर आप सॉल्व करोगे, अगर इसकी वैल्यू दे रखी है, नहीं इसकी वैल्यू एग्जैक्टली ये दे रखी है, बस ये दे रखा है, ठीक है, 0.995 की रेस्ट पर 0.625 इसको ये दे रखा है, लेकिन हमारे पास अगर देखोगे आपको सॉल्व क्या करना पड़ेगा, ये सॉल्व करना पड़ेगा 1 बाय 1.005, 1 बाय 1, ये बिना कैलकुलेटर के नहीं होता। और अगर आपको वहां पे सीबीटी कंप्यूटर बेस है, टेस्ट है, तो वहां पे कैलकुलेटर अगर मिल गया फिर आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। कैलकुलेटर आपके पास होता है वो साइंटिफिक नहीं होगा, वो हमारे पास जहां पे जितना अलाउड होता है, जैसे CBT 2 में अलाउड होता है, CBT 1 में नहीं अलाउड होता, SSC के CBT 2 में अलाउड होता है, लेकिन वो आजकल वो वाला नहीं, आप लेके नहीं जा सकते, कंप्यूटर के अंदर ही मिल जाता है आपको, कंप्यूटर के अंदर ही मिल जाता है। डैश इरिवर्सिबिलिटी इज ड्यू टू द फ्रिक्शन, सॉरी डैश यहां पे आ जाइए, डैश इरिवर्सिबिलिटी इज ड्यू टू द फ्रिक्शन इन द सिस्टम, केमिकल, रोटरी, इंटरनल या फ्रिक्शनल। अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सम गामा की वैल्यू फिक्स है क्या, हाँ जी, मोनो एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू फिक्स है। जैसे एयर की वैल्यू जो हम कहते हैं, एयर का गामा का वैल्यू 1.4 होता है, उसी तरह हमारे पास मोनो एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस, ट्राई एटॉमिक गैस, सबका गामा का वैल्यू फिक्स है। एक बार जरूर सर्च मार के उसको लिख लें एक साइड पे। ये फिक्स होता है, ओके तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है इंटरनल, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी इज ड्यू टू फ्रिक्शन इन द सिस्टम, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। आप देखो इरिवर्सिबिलिटी तो हमें पता है, ओके लेकिन इरिवर्सिबिलिटी भी कई तरह की हो सकती है, एग्जांपल हमने पढ़ी हुई है ये सारी इरिवर्सिबिलिटी। अब इरिवर्सिबिलिटी जो होती है एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी होती है, नाम बता रहा हूं आपको, एक्सटर्नल होती है, इंटरनल होती है, केमिकल इरिवर्सिबिलिटी होती है, ठीक है, तो ये सारी इरिवर्सिबिलिटी होती है, एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी और केमिकल इरिवर्सिबिलिटी, तो ये सब होती है। तो इनमें से हम जब देखेंगे हमारे पास, तो हमारे पास जब क्वेश्चन अगर पूछता है आपको, तो वो इस तरह से पूछेगा कि हमारे पास ये रहा, डैश इरिवर्सिबिलिटी इज ड्यू टू फ्रिक्शन इन द सिस्टम, तो हम कहेंगे इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी इज ड्यू टू द फ्रिक्शन इन द सिस्टम, फ्रिक्शन इन द सिस्टम। चलिए आगे, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम विच हैज नो इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हीट ट्रांसफर इज जीरो, वर्क डन इज जीरो, इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। अगर कहता है आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसमें से क्या आंसर सही है, हीट ट्रांसफर जीरो होता है, वर्क डन जीरो होता है, इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, या ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पे हम हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते, एनर्जी ना अंदर जा सकती ना बाहर आ सकती, ना कोई वर्क डन होता, इंटरनल एनर्जी जितनी है उतनी ही रहती है, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, अगर हम इसमें से प्रॉपर्टी देखें, एंट्रोपी, विस्कोसिटी, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, विच ऑफ द अबव द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम इज आर एक्सटेंसिव, इसमें से कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक केवल पहली है, वन और टू है, वन टू ओनली, टू थ्री फोर है, या 1, 2, 4 है, ओके तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है।
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर आप देखोगे, देखो विस्कोसिटी मैंने बताया आपको, इंटरनल ये हमारे पास नहीं चेंज होती है, चाहे कम फ्लूड हो चाहे ज्यादा हो, विस्कोसिटी चेंज नहीं होती, टेम्परेचर नहीं चेंज होता, चाहे एक मग में पानी ले लो, छोटे से ग्लास में पानी ले लो, चाहे एक बड़ी बाल्टी में पानी ले लो, ये हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर उतना ही रहेगा। स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ये भी चेंज नहीं होती, सिर्फ एंट्रोपी है जो हम कह सकते हैं जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओनली वन इज द राइट आंसर, ओनली वन इज द राइट आंसर। चलिए ठीक है, सिर्फ वन ही है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारी यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे दी हैं जी, आप पढ़ सकते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम, एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में ही है। इंटेंसिव में टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये सारी इंटेंसिव, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, क्वालिटी मतलब हमारे पास जो एक्स होता है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, आइसोबारिक कंप्रेसिबिलिटी, ये सारी क्या है, इंटरनल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट, What is the main characteristics of quasi-static process? Quasi-static process क्या होती है, जो धीरे धीरे हो, बहुत ही small, धीरे धीरे हो, तो वो बहुत slow process होती है, तो ये one is the right answer, ये बहुत ही slow process होती है, ये बहुत ही slow process होती है। चलिए ओके, ये आपको पता होना चाहिए। विच वन ऑफ द प्रॉपर्टी गिवन बिलो इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, कंपोजिशन, वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी, एंट्रोपी, ये मैंने सब आपको बार 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 करवा रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, बार बार करवाई जा रहा हूं, ठीक है। चलिए खत्म नहीं अभी, हाँ एक ये क्वेश्चन आया था बेटा, ये इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, द वर्क रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेशन इन द क्लोज सिस्टम विल इंक्रीज द व्हेन द वैल्यू ऑफ एन इंडेक्स ऑफ कंप्रेशन। अब ये क्वेश्चन जो है आपको कभी समझ नहीं आएगा, रीजन ये है क्योंकि ये सिविल में से पूछा गया है, सिविल के क्वेश्चन में से पूछा गया है, ये सिविल के क्वेश्चन में से इसमें भी आ जाता है, इधर भी आ जाता है कुछ, तो आपने, और अगर आप देखोगे अगर n हम अपने वाले में n में डालें, ये इंडेक्स ऑफ कंप्रेशन है, इसलिए यहाँ पे दिक्कत आती है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कभी पूछते नहीं है, सिविल में से पूछा गया है, कभी कभी क्वेश्चन उधर से उठाए जाते हैं, तो ये अगर देखोगे तो हमारे पास इसका राइट आंसर इंक्रीजेस है, बस ये याद रख लेंगे। एन का वैल्यू इंडेक्स ऑफ कंप्रेशन, जब हम देखते हैं ना इंडेक्स ऑफ कंप्रेशन की बात करते हैं, सॉइल कंप्रेशन इंडेक्स होता है हमारे पास, उसका हमारे पास कंप्रेशन इंडेक्स आता है, वो हमें पूछा नहीं जाता, लेकिन पता नहीं क्यों पूछा हुआ है एक बार। तो हमारे पास एन की वैल्यू बढ़ती है तो वर्क रिक्वायर्ड इंक्रीज हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, फिर से आ गया यार, मैं बार बार वही नहीं करवा रहा। अ क्लोज सिस्टम इज वन इन विच, क्लोज सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हम एक सिस्टम देखते हैं, क्लोज सिस्टम जिसके अंदर से मास बाहर नहीं जा सकता, मास बाहर नहीं जा सकता, एनर्जी जा सकती है, अंदर भी जा सकती है बाहर भी जा सकती है, एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो मास डज नॉट क्रॉस ऑफ द सिस्टम थ्रू दो एनर्जी में डू सो, पहला ही सही है, पहला ही सही है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम नहीं है, सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, हीट। तो देखिए प्रेशर, पी वी टी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये तो प्रॉपर्टी होती है, ये तो सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में हमें बताती है कि ये प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, वॉल्यूम कितना है, लेकिन हीट नहीं है, हीट एनर्जी, उसका अंदर उसकी क्वालिटी, इसके अंदर हीट कितनी है, ये इसको प्रॉपर्टी नहीं शो करता इसकी। सो डी इज द राइट आंसर। ओके, हीट, वर्क एंड एंट्रोपी जनरेशन आर पाथ फंक्शन, दे आर नॉट प्रॉपर्टीज, याद रख लीजिए, हीट, वर्क, एंट्रोपी जनरेशन आर पाथ फंक्शन, एंट्रोपी जनरेशन, एंट्रोपी नहीं, एंट्रोपी जनरेशन की बात कर रहा है, तो ये क्या है, नॉट अ प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक पाथ फंक्शन होते हैं।
ओके, ये एक पाथ फंक्शन होते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, ना तो मास बाहर जा सकता ना अंदर आ सकता, मास नहीं एनर्जी नहीं, ना तो एनर्जी ना मास दोनों ही अंदर बाहर नहीं आ सकते। बोथ मास एंड एनर्जी ऑफ सिस्टम डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री, दोनों बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। स्पेसिफिक एंथैल्पी इज एंड डैश, तो ये क्या है, स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या होती है? स्पेसिफिक एंथैल्पी देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो इंटेंसिव, इंटेंसिव। अब देखिए हमारे पास स्पेसिफिक वर्ड आ गया तो इंटेंसिव है, पहली बात तो ये इंटेंसिव है, ये इंटेंसिव है, या तो ये होगा या ये होगा। लेकिन इसकी यूनिट देखे तो यूनिट इसकी है किलो जाउल, पर स्पेसिफिक क्या होते हैं, एक किलोग्राम के लिए स्पेसिफिक है, तो इसलिए ये डी इज द राइट आंसर। ये होती है एक किलोग्राम के लिए, कितने किलो जाउल एनर्जी है एक किलोग्राम के पास, उसको कहते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एंथैल्पी। अगर अकेली एंथैल्पी बोले, अगर अकेली एंथैल्पी बोले एंथैल्पी, तो वो तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्सटेंसिव, कि कितनी बढ़ रही है, कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, उसके हिसाब से बढ़ेगी कम होगी। और ये पर किलोग्राम नहीं होती, ये पर किलोग्राम नहीं होती, अकेली किलो जाउल होती है, कितने किलो जाउल एनर्जी है। ओके चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज हाईली इरिवर्सिबल, इसमें से कौन सी हाईली इरिवर्सिबल है, तो थ्रॉटलिंग इज अ हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस, थ्रॉटलिंग हो गई तो वापिस कभी भी नहीं आती। हीट एंड वर्क आर, हीट और वर्क क्या है, एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव है, पॉइंट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, अभी हमने बोला था ये एक पाथ फंक्शन है, ये क्या है, एक पाथ फंक्शन है, तो बार बार हमें बार बार करने की जरूरत नहीं है, पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। ओके, तो हमने ये देखा था प्रॉपर्टी क्या है, स्टेट फंक्शन या पॉइंट फंक्शन होता है, वर्क और हीट क्या होती है, पाथ फंक्शन होते हैं, ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हिस्ट्री, ये होती है डिपेंडेंट ऑन पाथ हिस्ट्री, ये होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये होती है इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, इसको आपको पता होना चाहिए। पॉइंट फंक्शन, होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेई, आरआईवी जेई, किसी भी जेई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं, ऑल इन वन एई जेई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें, इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपने एसएससी जेई, आरआईवी जेई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।